आज जैसे ही धुंधकारी का जीवन तो व्यतीत हुआ था बुरे कार्यों में, मरने के पश्चात वो भूत प्रेत की योनि में चला गया। आज गौकर्ण जी महाराज आए हैं, जैसे अपने महल में आए तो रात्रि के 12 बजे थे। गौकर्ण जी ने सोचा कि आज मैं क्यों सब गांव के लोगों से मिलूं, अब मैं किसी के पास जाऊंगा तो किसी की नींद टूट जाएगी और कहेंगे कि देखो गौकर्ण जी आ गए। तो उन्होंने सोचा कि आज मैं ऐसा करता हूं, आज मैं आप जी का जो महल है मैं इसी में बैठ करके भजन कर लूंगा। और जैसे धुंधकारी का जो महल है, आत्मा जी का महल है, उसमें गौकर्ण जी महाराज प्रवेश कर गए हैं। संत का मतलब समझते हो, संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब होता है साधना करने वाला। संत का मतलब ये नहीं है कि अपने जी साहब लाल पीले वस्त्र पहन लिए या बहुत बड़े बड़े बाल बाल हो गए जी और देखने में ना लग रहे हैं संत। संत का मतलब है साधना करने वाला होगा। साधु का मतलब ये नहीं, संत का मतलब ये नहीं है कि बाणी से कुछ और बोल रहे हैं, मुंह में अंदर कुछ और सोच रहे हैं, ये संत का मतलब नहीं होता है। आज जैसे ही गौकर्ण जी महाराज उस महल में प्रवेश किए हैं तो वहां पर रात्रि के 12 बजे थे। गौकर्ण जी ने सोचा कि अभी मैं सबसे मिलूंगा तो लोगों की नींद खराब हो जाएगी, क्यों नींद खराब करें किसी की, सुबह मिलेंगे सभी से। गौकर्ण जी महाराज आप जी के महल में प्रवेश कर गए हैं और आंख बंद करके जैसे भजन करने बैठे तो वहां पर जी धुंधकारी भूत प्रेत की योनि में पड़ा हुआ है। संयम पुरुष देखो कैसे होते हैं, यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जिस समय सारी दुनिया सोती है ना उस समय संत भगवान का भजन करते हैं, बैठ करके गोविंद का नाम जपते हैं। तो गौकर्ण जी महाराज भी अपनी तपस्या में लग रहे थे और जैसे ही तपस्या में बैठ गए तो धुंधकारी भूत प्रेत की योनि में पड़ा हुआ वो डराने लगा। कभी तो पेड़ वाली आवाज निकालने लग जाए, कभी कुत्ते वाली आवाज निकालती, कभी कुछ और आवाज निकालने लगा। गौकर्ण जी ने सोचा कि ये मैं इस महल में क्या देख रहा हूँ, कभी तो भेड़ बन करके आ जाती है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी कुछ। गौकर्ण जी महाराज की कमंडल में जल था, कमंडल में जल जल लिया हाथ में और छींटा मार के कहा, कौन है श्रीमान जी, आप हमको क्यों डराते हो, अपना परिचय दो। एक छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गौकर्ण जी के गारे धुंधकारी, अरे राम राम राम, बताओ तुम भूत प्रेत की योनि पड़े हो, अरे मैंने तो सुना था कि तुमको 5 वेश्याओं ने मार दिया, लेकिन धुंधकारी हमने तुम्हारे नाम से गया में जाके श्राद्ध करवा दिया और तो भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी जो भूत प्रेत की योनि पड़ा हुआ है तो कहने लगा, सुनो भैया तुम गया में एक बार नहीं मेरा 100 बार भी जाकर के श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए थे, मैंने बहुत पाप किया है, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं होगी। गौकर्ण जी ने कहा, तुम चिंता मत करना भैया, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय अवश्य ही करूंगा। अब तो धीरे धीरे सुबह हुआ, गांव के लोग कहने लगे, देखो गौकर्ण जी महाराज आए, गौकर्ण जी आ गए, आओ चलो गौकर्ण जी से मिलेंगे। गौकर्ण जी महाराज तो बड़े चिंतित थे कि रात्रि बताओ भूत प्रेत की योनि पड़ा हुआ है धुंधकारी। अब जैसे ही सुबह होती गौकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को प्रणाम किया है और कहा कि हे भोर भास्कर सूर्य, केवल इतना बताओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, कहा कि
कि तुम श्रीमद भागवत कथा का वाचन करो, धुंधुकारी के निमित्त श्रीमद भागवत कथा सुनाओ और इसी से उसकी मुक्ति हो जाएगी। गांव के लोगों ने सुना कि अरे बताओ हमारे यहाँ भागवत कथा होगी। प्रेम से कहो जय श्री राधे। देखो भागवत नाम सुनने से ही हमारा जीवन का कल्याण हो जाता है। कोई ये भी कहता रहे ना कि भैया वहाँ भागवत चल रही है और चलो भागवत सुनने चलिए, तो भी जीव समझो कि वो भागवत सुनने का ही फल मिल रहा है, क्योंकि वो भागवत में लगन होनी चाहिए। प्रेम चलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। ऐसे ही अपने साथ में धुंधकारी के लिए आज भागवत गौकर्ण जी महाराज करने जा रहे हैं। तो गांव के लोगों ने सुना है तो बड़ा ही सुंदर सा व्यास मंच बनवाया है, चौकियों को सजाया, आज भागवत जी को विराजमान किया। तो वहां पर एक बांस का बगीचा था, शब्द ग्रंथ दिवांस लगा हुआ था। जैसे ही गौकर्ण जी महाराज ने काशन बिछा दिया और कहा कि आओ धुंधकारी, ये भागवत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये धुंधकारी तो भूतप्रेत की योनि पड़ा हुआ है, उस आसन पर जैसे ही बैठेगा तो उसको हवा उड़ा करके ले जाती है। तो वहां देखा एक बांस का बगीचा था, शब्द ग्रंथ बांस, उसमें धुंधकारी पहले गली में जाकर के प्रवेश कर गया, क्योंकि बांस में हवा का प्रकोप नहीं होता है। पहली ग्रंथि में जाकर प्रवेश कर गया, पहले दिन की कथा पूरी हुई है तो उसमें से पहली ग्रंथि फट गई, ऐसे दूसरे दिन की कथा पूरी हुई तो दूसरी ग्रंथि फट गई। जैसे सात दिन की भागवत होती है, जैसे पूरी सात दिन की भागवत हुई तो उसमें शास्त्रों और ग्रंथियां फट कर गई, धुंधकारी एक देव रूप में परिवर्तित कर गया। और कहने लगा भैया आपने बड़ी कृपा की, आप मुझे भागवत नहीं सुनाते तो मेरी मुक्ति नहीं होती, आज मुक्ति हो गई धुंधकारी की। प्रेम से जय श्री राधे। ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये संसार में आकर के खाली ठाकुर जी से प्रेम करो, ये संसार है नाशवान है सब झूठा। ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो।
अकेले दुर्गारी ऐसे कैसे हो सकता है। तो भगवान की बात समझ में कहा कि चटा के श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के श्रोता है, सबसे पहले टप्पर में आते हैं श्रोता। श्रोता के लक्षण आप जानकर जानते हैं। श्रोता के लक्षण ये होते हैं कि भागवत के भाव में सबसे पहले अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। कथा प्रारंभ होगी उससे पहले आकर के अपना एक स्थान ले लेते हैं और भागवत कथा में कथा एक ही आसन पर बैठ करके सुनते हैं, मन लगाकर कथा सुनते हैं, एकाग्र मन लगाकर कथा सुनेंगे। श्रोता के लक्षण होते हैं, वो किसी बात नहीं करेंगे, वो केवल भागवत को सुनना है। और दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो होते हैं श्रोता। श्रोता का काम आप सब जानते हैं, जो सुपारी काटने वाला होता है उसको श्रोता कहते हैं। तो ऐसे लोग भी भागवत में आ जाते हैं, उनका काम क्या है, वो केवल ये देखेंगे कि महाराज जी में कमी है, ये जो भागवत सुना रहे हैं इनमें कितनी कमी है, या फिर जो भागवत करवा रहे हैं इनमें भी कमी ढूंढेंगे। उनका काम ये है कि वो कमियों को ढूंढते हैं, किसी की अच्छाई को ग्रहण नहीं करेंगे कि कोई अच्छी बात भी सुनने को मिली है उसको नहीं सुनेंगे, वो केवल दूसरों की बुराई करने से मतलब उनको। तो वो कहेंगे अरे जी यहाँ पर गंदे के बिछवाए, यहाँ ये चीज़ की हम कभी रह गई है और पांडाल अच्छा नहीं बनाया है, 50 गलती प्याज जी में निकाल दी, 50 गलती जो श्रोताओं में निकाल दी, 50 गलती जो भागवत करवा रहे हैं उनमें निकाल दी। उनका काम यही है। और तीसरे नंबर वाले ये तो बड़े ही अच्छे लगते हैं, ये जाते जाते हैं बेचारे बड़े ही शांति से रहते हैं, इनको कुछ से कोई मतलब नहीं है। इनको क्या है कि बस आए और कोई ऐसी जगह ढूंढ लेंगे कि हम आराम से सो लें, वो ऐसी जगह देखेंगे कि हमको सोने को जगह मिल जाए, तो घर पे तो बच्चे सोने नहीं देंगे, बच्चे कहेंगे अरे आप ना कुछ बना लो खाने के लिए, ये नाश्ता में ये बना दो, अभी ये भूख लग रही है हमें ये बना दीजिए। घर पे कोई ना कोई परेशान करेगा तो इससे बढ़िया तो चलो नहीं भागवत में तो बढ़िया सो जाएंगे, 3 घंटे आराम से नींद ले ली, जैसे जोर से जयकार लगाया बोले कृष्ण भगवान की जय। अब नींद बोली हाँ ब्याज तो बहुत अच्छी है, कथा बड़ी अच्छी सुनाते हैं, इनकी कथा में तो बहुत ही आनंद आता है। किसी ने सुना कि आज आपने भागवत में क्या सुना, उन्होंने कहा जी जब तक हम सोए नहीं है ना तब तक की भागवत तो हमें याद है कि वो प्रसंग सुना रहे थे, उसके बाद तो हमें नहीं मालूम हम तो सो गए, पड़ोसी को सब मालूम है कि ये सो गई, इन्होंने कथा नहीं सुनी पूरी ढंग से, तो क्या कहेंगे मालूम है। हाँ हाँ भागवत की अच्छी कितनी अच्छी वाणी है उनकी, बहुत मीठा बोलते हैं, मुझे ना ऐसी नींद अपने घर में कभी नहीं आती है, मुझे तो उनकी भागवत में आती ही नींद आने लग जाती है, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। प्रेम चलो जय श्री राधे। लेकिन भगवान किसको मिलते हैं, भगवान सर्वोत्तम श्रोता को नहीं मिलते हैं, भगवान मिलेंगे श्रोता को, जो सच्चे मन से भागवत को सुनता है उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे ही सच्चे श्रोता बनिए। प्रेम चलो जय श्री राधे। भागवत के नियम तो कई बताए गए हैं, क्योंकि भागवत कभी भी ध्यान रखो दर्द आसन से भागवत नहीं सुननी चाहिए, शुभ आसन से बैठ करके भागवत को सुनना चाहिए। सुखासन आप सब जानते हैं, जैसे हम दोनों पार की मार करके बैठे हुए हैं ये सुखासन हो गया, और
धनुरासन ये हो गया कि दोनों घुटने से जोड़ लिए और ये अपना लगा लिया, ये धनुरासन हो गया। सुखासन से बैठ करके भागवत को सुनना चाहिए घर में। भैया यदि कोई तकलीफ हो रही है पैरों में तो एक काम करो, भर से मोटा सा बोल जाओ बंदा और उसको बैठ जाओ आराम से। की जैसी आगे ऐसे ही भागवत वत्स का जो नियम है, दूध मल्ले करके ही भागवत सुन सकते हैं, कथा में कभी नींद नहीं आए ऐसे इस प्रकार से भागवत को सुनना चाहिए। थोड़ा भोजन सामग्री लेकर के भागवत सुन सकते हैं। प्रेम सुनो जय श्री राधे। इसमें बताया है आदरणीय शुद्ध जी ने राजा प्रकट को भागवत सुनाई है, उनका जीवन धन्य हो गया। जो भी इस भागवत का रसापान करते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। आज श्रीमद् भागवत जी के स्तुति की गई है, सत्य की वंदना की गई है, सत्य की केवल सत्य के बारे में बताया है। सत्य क्या है बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है। पर ब्रह्म दृढ़ गर्भ नहीं है बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदांत के ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया है। बोले कैसा है, बोले स्वराट जो अपने स्वरूप से पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है ऐसा है, ऐसा वो परब्रह्म है और माया और माया के कारण शरण है। इसमें लिखा गया है कि ऐसे परम सत्य की वंदना कर रहे हैं कि सत्यम परम देव ही। सत्य के बारे में निरूपण किया गया है। शायद महर्षि व्यास जी ये बताना चाहती है कि जीवन में सत्य से बढ़ जाने कोई धर्म नहीं होता है। सत्यम परम धीमहि तो तुलसी बाबा ने यह लिखा गया है कि नारायण ही सत्य, सत्य ही नारायण है। सत्य के बारे में बताया है सत्य समान जीवन में सत्य बोले श्री कृष्ण जो है वो सत्य है। आज भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया, कहने लगे कि परम धर्म क्या है। परम धर्म है श्री कृष्ण का नाम, जिसका जीवन निष्काम है, जिसको कोई इच्छा ही नहीं है, वहां तो जीवन में कुछ नहीं चाहिए, ना कोई फ्लैट चाहिए, ना कोई दुकान चाहिए, ना कोई मकान चाहिए, केवल श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए। जिसका मन में ये भाव है कि हमें केवल श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए, ऐसे संतों के लिए श्री कृष्ण कथा बताई है।
कि हम चाहना श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहे। आज जैसे ही परम धर्म बताया है श्रीमद् भागवत जी में, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि बोले कैसी है ये भागवत कथा। बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, जीवन को कल्याण करने वाली है। और कैसी है? ताप प्रयोन्मूलन, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है श्रीकृष्ण कथा। क्योंकि आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, तीनों तापों को नष्ट कर देती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करना चाहिए, रोजाना इसका नियम से पाठ करना चाहिए, ताकि हमें श्रीकृष्ण की प्राप्ति हो जाए और हमारे जीवन में कोई भी पाप कर्म हुआ है वो भी चला जाए, छूट जाए, जीवन में अच्छा फल देने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। केवल श्रीमद् भागवत जी को पढ़ लिया समझोगे आपने सब कुछ पढ़ लिया जीवन में, ये भागवत ही जीवन का सार है। अब तो जी एक प्रश्न होता है कि श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ है। निगम कल्पतरूर कलितम फलम सुखमुखाद प्रद्रवसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, कहा गया है वेद रूपी कल्पृक्ष है, निगम जो वेद है वो कल्पृक्ष। अब तो उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। अब ये पका हुआ फल नीचे की ओर कैसे आ गया है? ये वृक्ष से नीचे की ओर आया, हमारे सुखदेव जी ने इसको मुख लगा दिया तो ये फल नीचे की ओर गिर पड़ा। सुख माने तोता होता है, और तोता ऐसा पक्षी होता है उसी फल पर मुंह लगाएगा जो फल मीठा होगा। सुखदेव जी का मुख लग गया तो समझो कि ये फल मीठा है, इसीलिए इस फल में ना तो गुठली है ना चिंता है, इसमें केवल रस बना हुआ है। इसको बार बार इसका रसापान करना चाहिए। कहा गया है कुछ लोग कह रहे थे कितनी बार भागवत सुनी हमने, तो बहुत भागवत सुनी, कितनी भागवत सुनी, अरे मुंह रहो मतलब बार बार इसका रसापान कीजिए, जितनी बार सुनोगे उतना ही जीवन में आनंद आएगा और उतना ही सुख अपने जीवन में मिलेगा। इससे भागवत रूपी रस को तो जितना हमें जीवन मिलाए तो जीवन में सुनते रहना चाहिए। तो भागवत कहा गया है कि भागवत कथा सुनत भागवत रसमालय, फिर भागवत कथा सुनी जाती है पी तो नहीं जाती है, लेकिन एक क्यों कहा है केवल भागवत रसमालय, इस भागवत रूपी रस को पियो, इसको पीना कहा गया है। देखो मानो हमने सुनी, इधर से सुनी उधर से निकाल दी तो ऐसे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये अपने जीवन में अंदर तक पहुंच गई, अंदर उतर गई, उसको फिर भागवत में कहते हैं अंदर प्रवेश कर गई है। तन में होकर के सुनने से ही वही सच्चा श्रोता है। अब तो तुलसी बाबा ने लिखा राम चरित जे सुनति अघाई, राम चरित जे सुनति अघाई, रसमित जगदात जगाई, रसमित जगदात जगाई, राम चरित जे सुनति अघाई।